हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राजीव मोशन डिज़ाइनर यूट्यूब चैनल और मैं राजीव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आफ्टर इफेक्ट के इस वीडियो में हम वीडियो, ऑडियो या इमेजेस कैसे इंपोर्ट करते हैं आफ्टर इफेक्ट में, ये सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये हमने आफ्टर इफेक्ट खोला हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हम न्यू कंपोजिशन बनाएंगे। न्यू कंपोजिशन बनाने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐसे बना सकते हैं या यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों ऐसे बना सकते हैं आप, या तो उसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल एन, प्रेस करके भी आप न्यू कंपोजिशन बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा न्यू कंपोजिशन रेडी हो गया दोस्तों। अब हम फाइल इंपोर्ट करेंगे दोस्तों। तो हम फाइल इंपोर्ट करने के लिए कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, ये इसकी शॉर्टकट कमांड है, या हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो इससे खुल जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर डबल क्लिक करके खोलते हैं फाइल। जैसे हम ये इमेजेस सबको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करते हैं और ओपन करते हैं, तो देखिए दोस्तों सारी इमेजेस यहाँ पे आ चुकी हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर फाइल, अगर हम जैसे 200 400 लेयर में हम काम कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो इसके लिए हम सबके अलग अलग फोल्डर बना सकते हैं दोस्तों। जैसे हम इमेजेस के लिए अलग फोल्डर बना ले, जैसे, और फोल्डर बनाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों। देखो यहाँ पे क्लिक करके हम इसका नाम दे देते हैं इमेजेस। ठीक है दोस्तों, और एक और फोल्डर हम चाहते हैं राइट क्लिक करके यहाँ से भी हम बना सकते हैं दोस्तों। इसका नाम हम दे देते हैं वीडियो, और एक और राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पे क्लिक करके एक और वीडियो फोल्डर बनाएंगे और इसका नाम दे देंगे ऑडियो दोस्तों। इससे हमारा, इससे बेनिफिट क्या है दोस्तों कि कितनी भी फाइल होगी हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी। जैसे सपोज, जैसे ये ऑडियो का फोल्डर है, अगर हमें ऑडियो, हमारे पास 10 20 जितनी भी है, तो हम ऑडियो का फोल्डर बना के उस पर क्लिक करेंगे यहाँ से ऐसे नीचे, और फिर हम यहाँ पे आएंगे कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करेंगे ये सारा इसमें देखो आ गया है दोस्तों। देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये इसमें आ गया है सारा। इसी तरह हम इमेजेस, इमेज में इस तरह डबल क्लिक करके फिर बाहर डबल क्लिक करेंगे और इमेज पे जाएंगे, कंट्रोल ए करेंगे और वो करेंगे, फिर इसको हम ऐसे ड्रैग करके इमेज पर छोड़ देंगे, जिससे ये इमेज के फोल्डर में सारी इमेजेस आ जाएंगी। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इसमें आ चुका है सारा। इसी तरह हम वीडियो पे डबल क्लिक करेंगे वीडियो के फोल्डर पे, और फिर बाहर डबल क्लिक करेंगे और वीडियो जितनी भी है कंट्रोल ए करके पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। थोड़ा सा ये हैवी फाइल है वीडियो, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसको भी ऐसी पकड़ के हम वीडियो के फोल्डर पे रख देंगे, जिससे ये सबका अलग अलग फोल्डर बन गया दोस्तों, और इससे हमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी और हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और नए वीडियो बनाकर आपके सामने पेश कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।